डोईवाला की जनता टाउन सिटी का विरोध जनसभाओं के माध्यम से कर रही थी, लेकिन अब जनता का यह आक्रोश सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पिछले 6 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। सैकड़ों किसानों ने टाउन सिटी का विरोध किया है। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि सरकार डोईवाला के किसानों की जमीन अधिग्रहण करना चाहती है, जिसको यहाँ के किसान किसी भी तरह से नहीं होने देंगे। साथ ही किसान मोर्चा ने बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। जो डोईवाला तहसील अंतर्गत सरकार ने एरो सिटी, टाउन सिटी अनेकों नाम देकर के जो डोईवाला की उपजाऊ भूमि को कब्जाने का कार्य सरकार करने जा रही है, उसके विरोध में आप देख रहे हैं कि कैसे किसान इस बारिश में निकल कर आया है। जो भी लोग हैं अपने लिए आए हैं, किसी ने किसी को नहीं बुलाया। इसमें जो है हम लोगों का सिर्फ इतना प्रयास है कि हम लोग जो है, हमने थोड़ा सा ये है जो इंटीग्रेटेड सिटी का जो एक मैसेज आया था उसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया, पर इसमें जो है आज सभी लोग जो है अपने मन से जो है सड़कों पर उतरे हैं। दिन रहेगी कि ट्रैक्टर रैली निकली, आप खुद ही देख रहे हैं। इसका बयान आप खुद अपने आप ही कर सकते हैं कि ट्रैक्टर रैली में लोग कैसे आ रहे हैं। और इस ट्रैक्टर रैली के लिए हमने बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया, आपसे बताना चाहते हैं, मात्र मैसेज किया था। और इतने लोग इकट्ठे हो गए, अगर आज बारिश ना होती तो ट्रैक्टरों की शायद गिनती खत्म ही ना होती। आज आप देख रहे हैं 15 अगस्त के पावन पर्व से पहले एक तिरंगा यात्रा निकालने का संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया था, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में भी लोगों ने अपने आज़ादी के सपनों को लेकर लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी थी और साहित्य दी थी। और आज भी हमारे सामने कई सारी समस्याएं इस तरह से खड़ी हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड सिटी के नाम पे हो, चाहे वो तानाशाही के नाम पे हो, चाहे वो धार्मिक उन्माद के नाम पे हो। इन सबको एक लक्ष्य में रखते हुए सब लोगों ने, सभी कौम के, सभी धर्मों के, सभी जाति के समूह के छात्रों, नौजवान, महिलाओं ने एकजुट होकर आज ये तिरंगा यात्रा निकाली।